की हुकूमत की 5 साल मुद्दत खत्म होने के साथ ही लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ महकमों में सैकड़ों लीगी कारकुनान की एजाजी तकर्रियाँ भी खत्म हो जाएंगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए जानते हैं सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम लकी, बताएगा कि तकर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। जी 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों में एक मुख्तलिफ किस्म की चक्कर जो है ना वो का आगाज हुआ था, जिसमें उनका ये कहना था कि वो ना MPA बने हैं ना MNA बने हैं, लिहाजा उनको जो है ना बोल जाते इलेक्शन हुए हैं, लिहाजा उन्हें भी किसी तरह जो है ना वो नवाजा जाए। जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ महकमों में एजाजी तौर पर चेयरमैन मेंबर और मुख्तलिफ अथॉरिटियों के जो है ना वो पोस्टें दी थी। ये मुकम्मल तौर पर आजादी तौर पर ये दी गई थी। इनमें महकमा ज़राअत के ज़ेर इंतज़ाम सुबह भर में सब्जी मंडियों में तकर्रियाँ, चेयरमैन की तकर्रियाँ की गई, एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रियाँ की गई। इसी तरह महकमा सेहत में तकर्रियाँ, महकमा सेहत में तकर्रियाँ की गई। इसी तरह महकमा एक्साइज में तकर्रियाँ की और इस तरह मुख्तलिफ महकमों में तकर्रियाँ की गई थी। आज हुकूमत के खात्मे के साथ ही ये तमाम एजाजी जो तकर्रियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है और इनका किसी किस्म का रहने का जवाब भी नहीं है। और ये आज खुद आज से ही जो है ना कई महकमों के जहाँ पे ये तकर्रियाँ आजादी तकर्रियाँ हुई थी उनके चेयरमैन मेंबर जो है ना आज खुद आज से जो है अपने घरों में बैठ गए हुए हैं। सब बाकायदा तौर पर आज 12 बजे के बाद उनका कल से किसी किस्म का कोई इस्तेहकाक नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल, एजाजी तकर्रियाँ खत्म कर दी जाएंगी। आपने अपडेट किया इब्राहिम लकी, आपका बेहद शुक्रिया।